नमस्कार मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है नीतीश कुमार जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे कोरोना के मद्देनजर कोरोना को लेकर इस पर तमाम तरह के फैसले देने वाले थे कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं हालांकि एक बात साफ कर दें हम कि लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है फिलहाल बिहार में लॉकडाउन नहीं लगाया गया है और नीतीश कुमार ने क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसला लिया है सरकार के तरफ से क्या कुछ महत्वपूर्ण आदेश दिए गए हैं ये हम आपको एक एक पॉइंट करके बता रहे हैं वो सब सुन लीजिए पहली खबर है कि फ़िलहाल स्कूल और कॉलेज जो बंद हैं वो आगे अभी और बंद रहेंगे लगभग एक सप्ताह एक सप्ताह तक कॉलेज और स्कूल और अधिक बंद रहेंगे दूसरी खबर है कि शाम सात बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी शाम को सात बजे के बाद दुकानें के खुलने का परमिशन नहीं है तीसरी तीसरी खबर है कि सभी दुकानों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है पहले भी कहा गया था कि जो दुकानदार होगा या फिर ग्राहक होगा दोनों को मास्क पहनकर ही निकलना है दुकानदार को भी मास्क पहनकर ही दुकान में रहना है चौथी चौथा पॉइंट है कि ग्यारह अप्रैल से चौदह अप्रैल तक राज्य में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा विशेष टीकाकरण अभियान चलाकर इस दौरान विशेष तौर पर लोगों को टीका दिया जाएगा जो मुख्यमंत्री ने कहा है इसके अलावा अगले एक सप्ताह तक जो हमने ऊपर बताया कि स्कूल और कॉलेज नहीं खुलेंगे स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे इसके अलावा अनुमंडल स्तर पर अब सरकार क्वारेंटीन सेंटर बनाएगी लगातार जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं या फिर दूसरे राज्यों से काम करने वाले लोग जो बिहार लौट रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार को अंदेशा है कि कोरोना केस काफ़ी बढ़ सकते हैं और लगातार कोरोना केस बढ़ भी रहे हैं इसको देखते हुए इसके मद्देनज़र सरकार अब अनुमंडल स्तर पर क्वारंटीन सेंटर बनाएगी इसके अलावा सरकारी कार्यालय में मात्र पैंतीस फीसदी अनुपस्थिति के साथ काम किया जाएगा यानी कि सरकारी कार्यालयों में जो भी कर्मचारी काम करते हैं उसमें से मात्र पैंतीस फीसदी कर्मचारी ही एक साथ कार्यालय में रहेंगे और वे काम करेंगे इसके अलावा अगर उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोरोना से हालत बिगड़ती है तो और सख्ती बढ़ाई जाएगी यह यहाँ पर उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर कोरोना का केस जैसे बढ़ रहा है इसी प्रकार से बढ़ता रहा नियंत्रण नहीं हुआ कोरोना तब फिर सख्ती को और बढ़ाया जाएगा उन्होंने हालांकि नाइट कर्फ्यू जैसा कोई कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया है नाइट कर्फ्यू को लेकर कोई फैसला नहीं दिया गया है इसके अलावा पहले भी कहा गया था एक बार फिर से कहा गया है कि सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं किया जाएगा उस पर पाबंदी रहेगी यह सारी बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे उन सब लोगों ने यह बात कही है फिलहाल सरकार के लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है वो विशेष ट्रेनें जो मुंबई और पुणे जैसे शहरों से बिहार में पहुंच रही है और उसके मद्देनज़र भी सरकार काफ़ी तैयारियां कर रही है और फिलहाल की खबर यही है कि लॉकडाउन तो नहीं लगाया गया लेकिन सरकार ने कई कड़े नियम लागू किए हैं जिसमें स्कूल और कॉलेज को एक सप्ताह और अधिक बंद किया गया है इसके अलावा अनुमंडल स्तर पर क्वारंटीन सेंटर बनाया जाएगा इसके आगे जो कुछ जानकारी आएगी उसे हम अब तक पहुंचाते रहेंगे वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए कैमरे के पीछे खड़े अंबुजानंद और मैं मोहित कुमार सिंह धन्यवाद